नमस्कार दोस्तों, गौतम ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। शिक्षक वर्ग 1 के रिजल्ट के बाद जो आपके मेरिट लिस्ट के बारे में आपके साथ इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं आपके कि यूआर रैंक में जो रैंक है, कंसोलिडेटेड रैंक जो है आपके, ये किसके अकॉर्डिंग रैंक है आपके, कैसे आपका जो सिलेक्शन होगा, जैसे कि जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो क्या होता है कि इसमें आपकी देखेंगे कि आपके यूआर में रैंक दूसरी है, कंसोलिडेट रैंक दूसरी है, ठीक है, गेस्ट फैकल्टी की रैंक दूसरी है। तो इसके बारे में हम बातें करने वाले हैं कि ये किस अकॉर्डिंग कैसे आपके जो आपका जो रिजल्ट आया है, तो उसी के बारे में हम आपसे बातें करने वाले हैं, किस अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ तैयार किया जाएगा, ठीक है। लास्ट तक देखना है वीडियो को और शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ये देखिए, सबसे पहले एक कैंडिडेट का जो रिजल्ट है आपका, इसके अकॉर्डिंग आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले ये आप देखिए, ये क्या है आपका प्रोपोर्शनेट मार्क्स है आपका, और ये जो है आपका नॉर्मलाइज्ड फाइनल मार्क्स है, ठीक है। तो जो आपका नॉर्मलाइज्ड फाइनल मार्क्स है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी रैंक बनती है, ठीक है। अब ये आपका जैसे कि कंसोलिडेटेड पोजीशन में इनका आपका 127 है, यूआर नील ओपन में इनका 126 है, ठीक है। रिजर्व्ड कैटेगरी जो नील ओपन, इसमें आपके रैंक नहीं है। गेस्ट फैकल्टी में इनकी कोई रैंक नहीं है, ठीक है। गेस्ट फैकल्टी जो रिजर्व्ड होती है, इनमें इनकी कोई रैंक नहीं है, ठीक है। अब इनके उनमें जरूर डाउट होगा कि आपके यूआर में इनकी रैंक ये है और कंसोलिडेटेड पोजीशन में इनकी रैंक ये है। तो ये कैसे होता है आपके जो कंसोलिडेटेड पोजीशन क्या होता है, यूआर नील ओपन जो रिजर्व कैटेगरी, सब कुछ एक एक करके हम आपको क्लियर करेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप लास्ट तक वीडियो को देख लेते तो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आपका जो भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए क्या होता है आपका रैंक, कंसोलिडेटेड पोजीशन क्या होता है, ठीक है। कंसोलिडेटेड पोजीशन की अगर हम बात करें आपके, तो जो एमपी के जो हो जाएंगे आपके स्टूडेंट्स एंड आपके जो आउटसाइडर के जो स्टूडेंट रहते हैं आपके एमपी के और अदर स्टेट के, एमपी के और जो आपके अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स रहेंगे, वो आपकी जो रैंक होती है आपके, वो कंसोलिडेटेड रैंक के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, कंसोलिडेटेड रैंक के अकॉर्डिंग कौन सी आती है आपके, एमपी के और जो आपके अदर स्टेट्स के रहेंगे, ठीक है। फिर यहीं पे आपके देखे तो यूआर, तो यूआर में आपके केवल एमपी के जो सभी मेल एंड फीमेल रहेंगे, ठीक है। यूआर रैंक जो आपको दिख रही है, जिसकी भी रैंक लगी है आपके यूआर रैंक में, जैसे कि अभी हमने आपके पिछले रिजल्ट पे बात की आपके 126 थी, ठीक है। तो यूआर में आपके जो रहेंगे केवल एमपी के छात्र रहेंगे और आपके मेल एंड फीमेल, ठीक है। फिर देखें नेक्स्ट आपके ओबीसी, तो ओबीसी में अगर हम बात करें, इसमें आपके कौन कौन से रहेंगे, तो आपके मेल रहेंगे, फीमेल रहेंगे ओबीसी में, गेस्ट भी रहेंगे आपके, ठीक है, जनरल में भी जो आपके गेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो ओबीसी की बात करें तो आपके मेल फीमेल एंड गेस्ट रहेंगे, ठीक है। एससी की अगर हम बात करें आपके, तो एससी कैटेगरी में जो रैंक लगेगी आपके मेल की, फीमेल की, फिर आपके गेस्ट की लगेगी, ठीक है। इसी तरह से आपके एसटी में रहेगी आपके मेल फीमेल एंड गेस्ट का, ठीक है। तो ये आपके, और इसमें अगर हम देखें एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन इसमें ना के बराबर रहेंगे, इसीलिए जो आपके एक्स सर्विसमैन की जो सीट रहेंगी वो आपकी किस में जुड़ जाएंगी, जनरल में जुड़ जाएंगे, ठीक है। जो एक्स सर्विसमैन की जो सीट रहेंगी, क्योंकि ज़्यादा लोग इसमें एक्स सर्विसमैन नहीं रहेंगे, ठीक है, इसीलिए जो उनकी जो सीट रहेगी आपके जनरल में जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने एक एक करके आपको बताया कि क्या होती है रैंक आपकी, कंसोलिडेटेड रैंक, यूआर रैंक, ओबीसी रैंक, एससी रैंक, एसटी रैंक, ठीक है, गेस्ट रिजर्व्ड और एक्स सर्विसमैन, ये आपकी कैसे आपकी जो रैंक बनती है और किसके अकॉर्डिंग आपका इसमें सेलेक्ट आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जितना हमने आपको इस वीडियो में बताया है, ठीक है। और जो भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, अपनी रैंक शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कि आपकी रैंक क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको हम बता सकते हैं कि आप जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट लिस्ट में, मेरिट लिस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है, और जो भी आपका डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है आपका वर्ग 3 का,
जिससे कि इन सभी एग्ज़ाम्स के जो आपके प्रिपरेशन कराई जाए जब हमारे चैनल पे, तो आपको सभी क्लासेस प्रोवाइड होती रहें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।